नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेस्टी व्यंजन में। मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही क्विक रेसिपी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ चीज़ कॉर्न सैंडविच, जिसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल होगी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं हम सैंडविच बनाना। चीज़ कॉर्न सैंडविच बनाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ सबसे पहले पत्ता गोभी। ये मैंने 2 कप लिया, अच्छे से धो के काट लिया है। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप स्वीट कॉर्न, ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न है। अगर आप लोगों को कॉर्न ज़्यादा पसंद है तो कॉर्न की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी मिक्स हर्ब्स 2 बड़े चम्मच, और डाल दूंगी इसमें 1/2 चम्मच नमक, और अब मैं इसमें डालूंगी 5 से 6 बड़े चम्मच मायोनीज के, ये एगलेस मायोनीज है। और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जिन भी लोगों को मायोनीज ज़्यादा पसंद हो, जैसे कि बच्चों को ज़्यादातर मायोनीज बहुत पसंद होता है, तो इसमें और 1-2 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं मायोनीज के। आप इसमें चाहें तो और भी जो आपको वेजिटेबल ऐड करना है वो कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे अब ले लिया है बॉइल्ड पोटैटो, 3 उबले हुए आलू लिए हैं मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रेड जिसका हम सैंडविच बनाएंगे, और चीज ले लिया है, और प्याज भी लिया है मैंने। तो हम शुरू करते हैं अब अपना सैंडविच बनाना। तो ब्रेड में मैं लगा दूंगी यहाँ पिज्जा सॉस, यहाँ मैं पिज्जा सॉस लगा रही हूँ। आप शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं, या और भी ग्रीन जो चटनी होती है घर पे बनी हुई वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसे मुझे थोड़ा सा पिज्जा वाला टेस्ट देना था इसलिए मैंने इसमें पिज्जा सॉस लगाया है। और ये पिज्जा सॉस से बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैं अभी अच्छे से पिज्जा सॉस लगा लिया है मैंने, और अब मैंने जो यहाँ पे पत्ता गोभी कॉर्न का और मायोनीज मिक्स करके जो हमने बना के रखा है, अब उसे हम डाल देंगे अच्छे से पूरे ब्रेड में। आप इसमें चाहें तो कैरेट, चुकंदर, ये सब भी ऐड कर सकते हैं जिसे पसंद हो। वेजिटेबल आप अपने हिसाब से सैंडविच में फील कर सकते हैं। तो मैं 2 सैंडविच यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। दोनों सैंडविच में मैं अच्छे से फिलिंग कर लूँगी स्टफिंग की। और अब मैं इसमें उबले हुए आलू 2 स्लाइस लगा दूंगी, और प्याज 2-3 टुकड़े रख दूंगी। और अब ऊपर से मैं इसमें डालूंगी ओरिगेनो, आप चाहें तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स जो हमने स्टफिंग तैयार किया उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को तीखा ज़्यादा पसंद नहीं होता तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं दूसरे भी सैंडविच में ऐसे ही फिलिंग रख लूँगी, और 2 उबले हुए आलू के स्लाइस रख लूँगी, प्याज रख लूँगी, थोड़ा सा ऊपर से ओरिगैनो डाल दूँगी, और हल्का सा चाट।
मिल सके। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है टेस्टी व्यंजन 11। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आप लोगों को बताई है, आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कि आपका ये रेसिपी कैसे बना। और आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कौन सा वीडियो व्लॉग लेके आऊँ, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वो वीडियो लेके आऊँगी। और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस रेसिपी आने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरा चैनल। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।